हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे TURBT और BPH के बारे में, यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट क्या होता है, ये किस तरह का ऑपरेशन है, और BPH के बारे में जानेंगे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया क्या होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये, और इसमें आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे BPH और TURBT के बीच में डिफरेंस। तो TURBT क्या है? तो और ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट इज अ सर्जिकल प्रोसीडर दैट इन्वॉल्व्स कटिंग अवे अ सेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, इस लाइन से ही आप समझ रहे हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ इशू है। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है कि उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है, उसके जो टिश्यू हैं वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं वो बढ़ जाएंगे, तो उसके बाद क्या होता है कि उसका साइज बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद वो एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। यानी कि जो यूरेथ्रा है वो नैरो हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो फिर यूरिन पास करने में बहुत दिक्कत होगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि TURBT सर्जरी परफॉर्म होती है और उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं कट कर करके। द प्रोस्टेट इज अ स्मॉल ग्लैंड इन द पेल्विस ओनली फाउंड इन मैन। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो किस में होता है? महिलाओं में तो होता नहीं है, बस पुरुषों में होता है। ठीक है, यानी कि एक छोटा सा ग्लैंड है और कहाँ होता है? पेल्विस में होता है, और ये बस मैन में होता है यानी कि पुरुषों में होता है। इट्स लोकेटेड बिटवीन द पेनिस एंड ब्लैडर। ये कहाँ होता है? तो पेनिस और ब्लैडर के बीच में होता है। एंड सराउंड्स द यूरेथ्रा द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द पेनिस। यानी कि ये क्या करता है कि यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेरे रहता है। और जैसा कि जानते हैं आप कि यूरेथ्रा का काम क्या है, तो ये एक वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और वो यूरिन को पास करने में मदद करता है। यानी यूरिन के लिए एक पाथवे है। यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में बना, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में जमा है, स्टोर है, तो वहाँ से जब भी मिक्सचरेशन होता है तो यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिन बाहर आउट होता है, पास होता है। तो यूरेथ्रा के बारे में आपने जाना, आपने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में जाना, और प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है ये भी जाना आपने, और TURBT क्या है, तो वो एक तरह की सर्जरी है जिसमें क्या किया जाता है ये भी आपने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं BPH। तो BPH क्या होता है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये कैंसरस नहीं है, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ेगा। ठीक है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के जो भी सेल्स है वो बहुत ज़्यादा ही डिवाइड होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, तो उसका साइज जो है ग्लैंड का वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि सबसे बेस्ट सर्जरी जो है TURBT मानी जाती है, और बहुत पहले से ही मतलब इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है BPH को ट्रीट करने के लिए। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट इज अ सर्जरी यूज टू ट्रीट यूरिनरी प्रॉब्लम्स दैट आर कॉज्ड बाय एन एनलार्ज्ड प्रोस्टेट। यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट का मतलब है कि यह एक तरह की सर्जरी है जो कि मेनली किस लिए होती है, तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, जो कि किसके कारण यूरिनरी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनलार्ज्ड प्रोस्टेट के चलते, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाने के कारण यूरिनरी प्रॉब्लम होगा। यूरिन से यानी पेशाब से ब्लड आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब रुक रुक कर हो सकता है, एक बार पेशाब बहुत अच्छे से हुआ फिर अच्छे से नहीं हो रहा है, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, आपको मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपका अपने आप हो जा रहा है, तो बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, आपको दर्द हो ऐसा भी हो सकता है, तो बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं अगर TURBT सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाए और BPH को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ रिसेक्टोस्कोप इज इंसर्टेड थ्रू द टिप ऑफ योर पेनिस एंड इनटू द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम योर ब्लैडर। यानी कि क्या कह रहा है कि रिसेक्टोस्कोप एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है TURBT सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या किया जाता है कि उसके टिप को, यानी इंस्ट्रूमेंट लंबा सा होता है, उसके टिप को पेनिस के द्वारा इंसर्ट किया जाता है और ये जो ट्यूब है, ठीक है, उसको अंदर डाला जाएगा। कहाँ? तो ये जो हमारा यूरेथ्रा है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसमें हम लोगों ने रिसेक्टोस्कोप को उसके टिप के ये से अंदर कर दिया है, एंटर करवा दिया। उसके बाद क्या करते हैं,
ये जो ट्यूब है यूरेथ्रा, वो क्या करती है, यूरिन को पास करती है हमारे ब्लैडर से बाहर। तो इसी के थ्रू अब अंदर गए और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड तक हम लोग पहुँचते हैं और फिर उसे ट्रीट करते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है कि लूप होता है और उससे क्या करते हैं कि कट कर रिमूव करते चलते हैं, यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जो भी इनलार्ज्ड है, जो भी बढ़ गया है, उस पार्ट को क्या करते हैं, कट करते जाते हैं और उसे रिमूव करते जाते हैं, जिससे कि जो हमारा बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और क्या है कि जो यूरेथ्रा को वो दबाव डाल रहा है, यूरेथ्रा नैरो हो गया, सिकुड़ गया है, उसके कारण वो थोड़ा अच्छे से अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाए और यूरिन पास करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मेनली बीपीएच जो है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, उसे ट्रीट करने के लिए सबसे बेस्ट सर्जरी जो है वो TURP मानी जाती है। TURP में मेनली मैंने समझा दिया बहुत ही शॉर्ट में, मतलब छोटे से ये मैं आपको आई होप समझ में आया होगा कि TURP क्या है और BPH क्या है। इसका जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को, क्योंकि TURP और BPH बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के व्यू से। तो इसी तरह से वीडियो को एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी डेली वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी मेरा तबीयत जो है थोड़ा सही नहीं है, वायरल फीवर हो रखा है। तो इसीलिए जैसे जैसे तबीयत ठीक होती है वैसे वैसे डेली जो है वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और वायरल फीवर से अपना बचाव करते रहिए और जितना भी मास्क वगैरह पहन के रह सके, डिस्टेंस मेंटेन कर सके दूसरों से, वो डिस्टेंस मेंटेन करिए।